अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन पर कंसिस्ट होते हैं। द कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है हाउ वी आर गोइंग टू नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मीन्स दैट द वे to name the organic compounds is basically known as nomenclature. Now there are two different ways of naming the organic compound. First is the common name and second one is the IUPAC name. So in this lecture we've only discussed common name, and in the next lecture we will discuss IUPAC name. So firstly, what about the common name? जैसे आपने biology में भी पढ़ा होगा कि प्याज का common name क्या होता है, like homo sapiens is the name of human beings, or rana tigrina is the name of frog. इस तरीके से chemistry में भी हम कुछ common names use करते हैं। So common name के लिए हमारे पास rule होते हैं, common name या तो किसी person यानी जिस scientist ने उस substance को discover किया उसके according हम उसको name दे देते हैं। First rule is about common name is naming the common name according to the name of the person who discovered it. अब इसके एग्जाम्पल मैंने साथ ही इधर कोट की कि एक एसिड है जिसका नाम है बारब्यूटेरिक एसिड, एंड इसको जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसका नाम था बारबरा, एंड बारब्यूटेरिक एसिड इज़ बेसिकली नेम्ड ड्यू टू बारबरा, सो इट इज़ अ कॉमन नेम। And secondly, the common names comes from the place where they discovered, like marsh gas. आप सबको पता है marsh gas होती है, simply marsh gas का second name होता है methane. And this gas was discovered in marshy places. अब ये जिस place पे discover हुआ marsh gas, उस place के according हमने उसका name रख दिया marsh gas. Marshy places named marsh gas. Thirdly, from the nature, like acetic acid is a acid that is having the as taste like acetum. Acetum is sirka, vinegar. जो आप use करते हो घर में is just like vinegar. So हमने उसकी nature की base पर उसका नाम quote कर दिया. So हमारे पास we are only discussing common names. So common names are named after their discoverer, means जिसने उसको discover किया, the place from the where they are discovered and from the nature, जैसे उनकी nature क्या है। उसके बाद हम कह सकते हैं हम कुछ common name के अंदर prefixes भी use करते हैं। हम कभी कभार n use करेंगे, iso use करेंगे, neo use करेंगे। अब ये चीज़ें आपने अपने पास लिख लेनी है कि n जब यूज़ करेंगे तो याद रखें देयर विल बी ऑलवेज अ स्ट्रेट चेन। n मीन्स देयर विल बी नो एनी ब्रांच। iso मीन देयर विल बी वन ब्रांच इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड डैट विल बी एग्जैक्टली नेक्स्ट टू द टर्मिनल। टर्मिनल कार्बन विल बी द कॉर्नर्ड कार्बन। यू विल बी ईजीली अंडरस्टूड व्हेन वी विल डिस्कस IUPAC नेम इन द नेक्स्ट लेक्चर। And neo means the two carbon next to the terminal. ये हमारे पास, अब मैं इसके एक example आपको quote करती हूँ यहाँ पर। N के लिए example, अगर मैं 5 carbon compound लेती हूँ, like this is 1, 2, 3, 4 and 5. आप देख रहे हो these 5 carbons are arranged in one straight chain. You all known very well that carbon has capacity of 4 bonds. So 1, 2, 3, 4. Here I will write 2 hydrogen. I have to complete the tetravalency of carbon. So I will write 3 hydrogen along with 1 bond, 4 bond, tetravalency is completed. 2 hydrogen, 1 and 1, 4 bonds completed. You can easily view that all these carbons are making 4 bonds. So there are 4 bonds of each carbon, so carbon is tetravalent.
एंड सेकेंड थिंग इज दैट दीज और ऑल आर अरेंज्ड इन स्ट्रेट चेन. सो इट विल बी 1, 2, 3, 4, 5. इट इज विल पेंटेन हैविंग सिंगल बॉन्ड्स एंड इट विल बी एन पेंटेन. पांच कार्बन वाले स्ट्रक्चर को पेंटेन कहते हैं. आई विल शो इन द नेक्स्ट लेक्चर पेंटेन क्या होता है, ब्यूटेन क्या होता है, आपको सब बता देंगे. अब मैं पांच कार्बन ड्रॉ करती हूँ, चार की स्ट्रेट चेन ड्रॉ कर देती हूँ, एक ब्रांच लगा देती हूँ नेक्स्ट टू द टर्मिनल. अभी आपने देखा वन ब्रांच नेक्स्ट टू द टर्मिनल मीन्स आइसो. दिस विल बी ऑल्सो कॉल्ड पेंटेन ड्यू टू 5 carbon, बट इट विल बी, अगर मैं इसको इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट करूँ, इधर 3 bond कार्बन बना रहा है, इट विल ओनली हैव 1 hydrogen, 3 and 3, और इसका नेम होगा आइसोपेंटेन. ठीक है, और अब 2 carbons नेक्स्ट टू द टर्मिनल. अब मैं इन 5 ही carbons को लूँगी, लेकिन आई विल ड्रॉ 3 carbon एज अ चेन एंड 2 carbon. दिस इज टर्मिनल, दिस इज टर्मिनल, नेक्स्ट टू द टर्मिनल दिस विल बी ब्रांचेस. आप इनमें हाइड्रोजन्स की वैलेंसेस, सॉरी कार्बन की वैलेंसेस कंप्लीट करेंगे एंड इट विल बी नियो पेंटेन. आप इस चीज़ को क्लियरली देखिए, दीज ऑल आर कॉमन नेम्स. नाउ इफ आई विल चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस आइसोपेंटेन, आई विल चेंज द स्ट्रक्चर लाइक I will draw 1 methyl more here and 1 chloride here, 1 bromide here. Now, what will be the name of this structure? So, this structure will be never be named with the common. इसको हम common name कभी भी नहीं देंगे. इसको हम जो नेम देंगे वो हम उसके लिए रूल्स यूज करेंगे फॉर द IUPAC. सही है, ऐसा स्ट्रक्चर जो कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, जिसमें ज़्यादा ब्रांचेज आ जाती हैं, उसके लिए हमें IUPAC नेम यूज़ करना पड़ता है. तो बेटे इस लेक्चर में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एक ही है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट वॉज वॉट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मार्श गैस. क्योंकि कॉमन नेम एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इंट्रोडक्शन के लिए बताया कि वॉट आर कॉमन नेम. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको IUPAC नेम का बताऊंगी, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.